तो दिवाली के त्यौहार पे केएल राहुल और सीरियस अय्यर और शुरू में शुभमन गिल और रोहित शर्मा, इन पांचों बैटर्स ने और इनमें से स्पेसिफिकली इन चारों ने बोला कि फायर बग्स बाहर तो हो रहे होंगे, आज दिवाली का त्यौहार है, हर कोई दिए तो जला रहे होंगे, लेकिन हम लोग ग्राउंड के अंदर अपने बल्ले से आज फायर बग्स दिखाएंगे। दो मैचेस खेले इन्होंने तारीख में अभी तक इंडिया ने नेदरलैंड्स के खिलाफ, दोनों के दोनों बड़े आसानी से इंडिया ने जो है वो जीते हैं। राइट नाउ इंडिया इज अनस्टॉपेबल, दे आर ऑन टॉप एंड दे आर लुकिंग लाइक दे आर गनिंग फॉर द टॉप स्पॉट इन दिस वर्ल्ड कप। अगर रोहित शर्मा और गेल जिस तरह खेल रहे हैं और फिर नंबर तीन पे भी वो उनमें से ने ढीला किया, रोहित शर्मा ने उसको स्क्वायर लेग पे चौका मारा, उसने फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। अच्छे ग्रुप मैच इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान, तो कैसे देख रहे हैं इस मैच को और इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, कैसे देख रहे हैं इस तमाम? देखिए ये मुकाबला होने नहीं चाहिए था, इसलिए इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है, लोग तो बहुत आएंगे मगर ये डेड रबर है और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है। को आज उसने बख्शा नहीं, मतलब व्हाट एन इंटेंट दैट इट वाज शोन बाय श्रेयस अय्यर फ्रॉम द बॉल नंबर वन। जब श्रेयस अय्यर आया था वो इतनी सॉलिड कमिटमेंट आज लेकर आया था कि इस विकेट के ऊपर, इस अटैक के ऊपर मेरा चांस है, व्हाई नॉट, मैं पूरे टूर्नामेंट में फॉर्म दिखा रहा हूं, आज लूटने का दिन है तो क्यों ना लूटा जाए। जिस तरह वो कहते हैं ना, इस वक्त अगर यहां से देख के पूछे तो पटाखा विकेट लग रहा है। देखिए नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो मैं लंबे रन ही करता। ओडीआई में पहली दफा, तीसरी दफा, मतलब ओडीआई में तीसरी दफा ये हुआ है कि पांचों टॉप ऑर्डर बैटर्स ने या 50 क्रॉस की। आज भारत के बल्लेबाज नीदरलैंड के गेंदबाजों पर कहर बन के टूट पड़े। रोहित शर्मा, शुभम गिल और विराट कोहली ने 8 लगाई, बल्कि जबकि सही अय्यर और लोकेश राहुल ने शतक लगाए। रोहित शर्मा, शुभम गिल और कोहली ने अर्धशतक लगाए, जबकि सही अय्यर और केएल राहुल ने शतक लगाए, जिससे नीदरलैंड को उच्च स्कोर दिया गया, जिससे नीदरलैंड स्कोर को प्राप्त नहीं कर पाया और हार गया। भारत के हाथों नीदरलैंड की हार और वर्ल्ड कप के नौ मैच जीत जाना पाक मीडिया के गले से नहीं उतर रहा। मैचेस खेले इन्होंने तारीख में अभी तक इंडिया ने नेदरलैंड्स के खिलाफ, दोनों के दोनों बड़े आसानी से इंडिया ने जो है वो जीते हैं। राइट नाउ इंडिया इज अनस्टॉपेबल, दे आर ऑन टॉप एंड दे आर लुकिंग लाइक दे आर गनिंग फॉर द टॉप स्पॉट इन दिस वर्ल्ड कप। दे आर द वे दे परफॉर्म्ड, 8 के 8 मैच जीते हैं, मेन प्लेयर इंजर हुआ है उनका, मैं ऑलराउंडर, लोगों ने सोचा था कि इनका कॉम्बिनेशन खराब हो जाएगा, बट जिसे कहते हैं ना कि बैकअप जो उनके प्लेयर्स हैं वो उसी वक्त जगह लेने को तैयार है, ये नहीं कि सिर्फ रखे हुए हैं कि हर उन्होंने यूज प्लान किया होगा कि ये इंजर होगा तो ये प्लानिंग होगी, ये होगा तो ये होगा, और ये अभी से नहीं हो रहा है, काफी अरसे से इंडिया की उस प्लानिंग में हो रहा है, बट कंप्लीट परफॉर्मेंस, एवरीबडी गॉट रन्स, एवरीबडी इज गेटिंग बिकॉज देयर फास्ट बॉलर्स हैव बीन द बेस्ट इन दिस वर्ल्ड कप विद द न्यू बॉल इन द मिड ओवर्स एंड स्पिनर्स ऑल द थ्री, जो हम वेरिएशन की बात करते हैं अटैक में, यू नो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर भी है, जडेजा भी है, ऑफ स्पिनर भी है, यू नो वो जब बात करते हैं एवरी कवर्ड, एवरी बेसिस का, एवरी बेस कवर्ड, दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इंडिया टीम इज, इट्स ट्रीट टू वॉच देम द वे दे आर प्लेइंग, प्रोफेशनलिज्म, फील्डिंग हैज बीन टॉप नॉच, कैचिंग हैज बीन एक्सीलेंट, आप फॉल्ट कर नहीं सकते उन पे, सो वेल डन इंडिया। या टोटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एज एज अ नीदरलैंड्स टीम, उनके जो प्लेयर्स हैं जो 30s में 40s में आउट हो जाते हैं, लर्न फ्रॉम विराट, सामने खेल रहे होंगे वो, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, केएल राहुल, इतने सारे प्लेयर्स हैं, दे स्पिनर्स बोलिंग बहुत बहुत अच्छी कर रहे हैं, लर्न फ्रॉम देम, देन देयर पेस बोलर्स, हाउ टू स्विंग द बॉल डिफरेंट सिचुएशंस में आके कैसे बोलिंग करते हैं, सो इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर नीदरलैंड्स टीम टू लर्न। अगर रोहित शर्मा और गेल जिस तरह खेल रहे हैं और फिर नंबर तीन पे भी वो उनमें से, जो फिंच कह रहे थे ना कि यहाँ पे स्पिन मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा अप एंड ओवर बॉल को ढीला करें, उसने ढीला किया, रोहित शर्मा ने उसको स्क्वायर लेग पे चौका मारा, उसने फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। ये जो इंटेंट की हम बात कर रहे हैं, जो यूसुफ हमेशा कहते हैं एज ए बैट्समैन कि आपने गैप को ढूंढना है, ये आज दो बॉलों के ऊपर पहले ओवर में उसने गैप को ढूंढा, जहां फील्डर था उसने अपनी मर्जी से फील्डिंग सेट की है, दैट इज अ क्लासिकल बैटिंग टू सी दैट। एंड जिस तरह वो कहते हैं ना, इस वक्त अगर यहां से देख के पूछे तो पटाखा विकेट लग रहा है। देखिए नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करना आता है तो मैं लंबे रन ही करता हूं, और टीमें छोड़ते नहीं है ये, जब इस तरह की टीम आती है तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो लंबे रन करे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते, पिच भी अच्छा है, और मेरे ख्याल में जितने भी उनके बैट्समैन हैं इंडिविजुअल सारे बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है पीजे भाई, अगेन जिस तरीके से चार्ज किया और ये प्रोफेशनलिज्म, ये बाकी टीम और खासकर हमें भी ये प्रोफेशनलिज्म जो है इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आज इसको गेल को
इसको मैं देख रहा था इसका रिकॉर्ड, ये इसने दो अंडर 19 में 2018 में से डेब्यू किया। और अगर अभी की बात करें, अभी अब जैसे रोहित शर्मा को ये डाथ कहने का रहा है, मुझे जो फील हो रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज ये थोड़ा सा ठीक टिका हुआ है पीछे, कि ही इज बॉलिंग टू अ ग्रेट बैट्समैन और जैसे सेंचुरी भी बनाई है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो थोड़ा सा एप्रिहेंसिव लगता है इसका इसका डिलीवरी एक्शन एंड बोल्ड एक्शन। मेरी नजर में अगर आप पूछें वर्ल्ड चैंपियंस, देयर इज नो क्वेश्चन इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, बाकी अब आपका सेमीफाइनल फाइनल रह गया, बट इंडिया इज द सुपर रिकॉर्ड इन दिस वर्ल्ड कप। ग्रुप मैच इंडिया और नेदरलैंड्स के दरमियान, तो कैसे देख रहे हैं इस मैच को, और इंडिया ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया, कैसे देख रहे हैं इस तमाम? ये मुकाबला होना ही नहीं चाहिए था, इसलिए कि इसका कोई रिजल्ट का फर्क ही नहीं पड़ता है। सो मैं समझता हूँ कई दफा जो है ना ये उसी वक्त ले लेना चाहिए डिसीजन, हालांकि वर्ल्ड कप है, प्रॉब्ली आप वर्ल्ड कप में जाने देंगे, बट कई ऐसे डेड रबर्स होते हैं जो कि बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती, शायद क्योंकि भारत खेल रहा है, भारत की अपनी अट्रैक्शन है यहाँ खासतौर पर भारत में, क्योंकि टीम वर्ल्ड क्लास है उनकी। और देखिए भारत की जो सबसे अच्छी बात यही है कि ये एस्थेटिकली जिसको कहते हैं ना, ये खूबसूरत भी वर्ल्ड क्लास दिखते हैं, जब आप बैटिंग करते हैं तो उनको देखने का मजा आता है, जब बॉलिंग करते हैं तो आपको मजा आता है कि किस तरह सीम पोजीशन इनकी अपराइट होती है और कोई मकसद के साथ ये गेंद वहां से वहां हिलता है और उसके पीछे टेक्निक है, इसी तरह से स्पिन बॉलिंग लाजवाब है, फील्डिंग बहुत अच्छी है। सो लोग तो बहुत आएंगे, मगर ये डेड रबर है और आई थिंक नेदरलैंड्स के लिए एक एक्सपीरियंस जरूर होगा, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि इंडिया से मुकाबला, इंडिया से मुकाबला है। हमने विराट कोहली के हवाले से भी एक बार यही बात की थी कि विराट कोहली दिन में 10 घंटे अपनी क्रिकेट खेलता है, अपनी फिटनेस का ख्याल रखता है, शुगर नहीं लेता, नमक नहीं लेता, या इस तरह की और बहुत सी चीजें हैं जो कि अवॉइड करता है, तो हमारे प्लेयर्स में ये चीज क्यों नहीं है, उनमें ये अर्ज क्यों नहीं है कि हमें अपनी फिटनेस का ख्याल रखना है, सारे पतले पतले से और इस तरह के हैं कि मतलब आपको देख स्पोर्ट्समैन नहीं, डिसिप्लिन है। एक क्लब से एयर ने सबसे अधिक 128, रोहित शर्मा ने 61, शुभम गिल ने 51, केएल राहुल ने 102 रन की नाबाद पारी खेली। भारत लिंग अपने लिंग के आखिरी मैच में नीदरलैंड को हरा के वर्ल्ड कप के नौ मैच जीतकर टॉप पर बना हुआ है। नीदरलैंड हार कर भी पहले ही सेमीफाइनल से बाहर हो चुकी थी। भारत ने इस वर्ल्ड कप में सभी नौ के नौ मैच जीते हैं जो टॉप पर बनी हुई है, जो फाइनल की पक्की दावेदार है। भारत ने इस वर्ल्ड कप में सभी नौ के नौ मैच जीते हैं जो टॉप पर बनी हुई है, जो फाइनल की पक्की दावेदार है।